अरविंद आए हैं बड़े दिनों बाद। हाँ भाई अरविंद, कहाँ थे यार इतने दिन? तो नेचर जो होता है वो भाई साहब अभी कहे कि जो है वो अरे ब्रोकर अरविंद होता है। यार, अरविंद का, अरे अरविंद यार कहाँ अरविंद पहुंच जी, गए जय यार? भीम, क्या हाल है? बड़े दिनों के बाद दिख यार रहे अरविंद हो। जी यार, मतलब हालचाल भी नहीं बता रहे हो, और क्या कहाँ पहुंच गए आप? क्या अरविंद देखो यार, बात कर क्या हो गया? आप मतलब लोग आप नास्तिक सीधे से आस्तिक भागे कह जा रहे हो, रहे भागे हो। जा रहे हो यार, सुनते ही नहीं हो। मैं कह रहा हूं कि आप लोग आस्तिकों का मानवता क्यों ले रहे हैं? आपको प्रेम नहीं होना चाहिए, आप नास्तिकतावाद में जिए, आपको घृणा होनी चाहिए मुझसे। ये नहीं, घृणा ये किसने तो कहा कि धर्म धर्म सिखाता है ना, घृणा धर्म सिखाता सिखाता है? है, घृणा धर्म नास्तिकतावाद सिखाता है ना। देखें देखें, आप धार्मिक किताबें आप पढ़े तो साफ साफ लिखा हुआ है, जो अभी छांदोग्य उपनिषद है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो जैसे शूद्र होता है वो तो उसका जन्म तो कुत्ते के बराबर होता है। नहीं, ये आप आरोप हाँ हाँ लगा हाँ रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो धर्म है हिंदू धर्म है उसने सिर्फ घृणा सिखाई है। ये अछूत आपके अछूत ऊपर। बनाना मतलब क्या होता है? घृणा ही होती है ना। पानी नहीं मत नहीं ये दो, पास मत जाने दो, खाना मत खाओ। यार आपके दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद यजुर्वेद के भाषण में लिखा है कि जो भंगी होता है उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि उससे दुर्गंध आती है। ये यजुर्वेद भाष्य में नास्तिकता लिखा है। अब आप दयानंद सरस्वती बोलने नहीं, नास्तिक थे? नहीं यानी कि आप तो नास्तिकता घृणा देखिए। जो है अरे वो तो घृणा जो है तो धर्म सिखाता है ना। आप मुझे संविधान में से कोई ऐसा आर्टिकल दिखा दीजिए जो घृणा सिखाता हो, बता रहा हूं, बता रहा हूं, बताएं। अभी अब बोलने नहीं दे रहे हैं ना आप, सुनिए पूरी नहीं तो बात। आपने ये कैसे क्लेम कर दिया कि जो नास्तिकता है घृणा सिखाती है? कहाँ से हाँ क्लेम किया, यही कहाँ से पढ़ा आपने? वो किताब मैं का पेज प्रूफ दिखाएं जहां से आपने पढ़ा हो कि नास्तिकता घृणा सिखाती है। प्रूव कर रहा हूं, रुकिए सुनिए। पहली बात तो है, नास्तिकों के अंदर संवेदना नाम की कोई चीज होती नहीं, वो कहाँ लिखा है, दिखावा। कहाँ होता, कहाँ कहाँ पढ़ा कहा आपने, यार, किस कहाँ पढ़ा आधार पे कह आपने, रहे हैं भाई अरविंद? किस आपका आधार क्या है? आप एक बात बताकर, नास्तिकों में अगर अभी संवेदना नहीं होती तो इतने जो हाँ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बन रहे तो क्या आपके वेद से देख के बन रहे हैं? इतने जो नहीं, मेडिकल मेडिकल, इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, रोज एक नई एक खोज हो रही है। पहले की डेट हाँ में जो आंख की सर्जरी होती थी वो स्केल्पल से होती थी, आज की डेट में लेजर से हो रही है। तो क्या ये आपके धार्मिक लोग ये ला के दे रहे हैं? लोग धार्मिक लोग ही ला करके दे रहे हैं, नास्तिक लोग जो साबित होते करें, हैं साबित वो करें। बता। सुनिए तो पूरी बात, आप तो एकदम से ऊपर उठो, मतलब कि नहीं तो पूरी बात आपने को। आपको आपको साबित करना पड़ेगा ना। आप वो किताब का पेज लेकर आइए जहां पर ये लिखा हो कि नास्तिकता जो है घृणा सिखाती है, और फिर मैं धर्म की आप किताबें लेकर आऊंगा जहां पर ये लिखा है कि धर्म जो धर्म है वो घृणा सिखाता है। चले, चैलेंज मंजूर है? धर्म धर्म की किताबें नहीं होती है, धर्म की किताब होती है, ठीक है? धर्म की धर्म की किताबें नहीं किताब होती है? यजुर्वेद की कितने पार्ट हैं जरा बताएं, और वेद के कितने पार्ट हैं, धर्म एक होता है, पुराण ठीक कितने है? हैं, पुराण कितने हैं जरा बताएं। वो सब धर्म नहीं है। धर्म की चले धर्म परिभाषा बताएं, धर्म की क्या परिभाषा, क्या है धर्म? जो है वो प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ कहाँ लिखा है एक, ये? अरे बता तो रहा हूँ, सुनिए तो, नहीं तो धर्म क्या आप होता गपोड़ रहे हैं ना अरविंद जी। देखें, मैं बातें है? करता हाँ हूँ, जो चीजें लिखी होती है किताबों पे बात करता हूँ, गपोड़ नहीं सत सुनूंगा मैं। अगर आपके सत पास कोई रेफरेंस है, अगर आपने वेदों से धर्म की व्याख्या पढ़ी है, आपने अपने धार्मिक किताबों से व्याख्या पढ़ी है, वो किताबें, वो व्याख्या आप रेफरेंस के साथ मुझे धर्म की डेफिनेशन बताएं। चलें, बता तो रहा हूं, सत्य को धारण करना धर्म है। अच्छा कहाँ धारणेत लिखा है ये? धर्मा, धारणेत धर्मा, जो धारण अच्छा करने योग्य वही धर्म है। अच्छा तो धारण करने योग्य जो चीजें होती है अगर वो धर्म है, तो वो धारण करने चीजों की लिस्ट कहाँ है? वो चीज है धर्म, आप वो कैसे चीज जानेंगे मेरे भाई? वो धार्मिक ग्रंथों से दिखानी पड़ेगी ना आपको, धार्मिक बिल्कुल वो ग्रंथों से चीज। दिखानी पड़ेगी। धार्मिक ग्रंथों से अरे आपको ये साबित करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें जो है वो धारण करने योग्य है। ज्यादा बोलने की अपेक्षा जो कम शब्दों में ज्यादा बोल दिया जाए, मैं कह रहा हूं धर्म, सत्य, अहिंसा, प्रेम, यही सब धारण करने के लगभग 8 या 9 लक्षण हैं, वही अच्छा तो धारण अगर करने अगर योग्य ऐसा है तो क्रोध जो थे वो है। दुर्वासा ऋषि तो बड़े क्रोधी थे, तो दुर्वासा तो फिर नहीं सबसे नहीं बड़े धर्मी हुए। वही बता रहा हूँ, सुनिए पूरी बात, सुनिए। तो उनको छोड़ करके जो उस चीज को नहीं करते हैं, ठीक राम है, भी क्रोधी थे ना न्यूटन वो जी, अब राम राम भी भी क्रोधी क्रोधी फिर थे, उसके बाद जो शिव वो जी थे वो तो बड़े कामी थे, तो वो भी अधर्मी हुए। फिर इंद्र भी बड़ा नहीं कामी पूरी। था तो वो देवता कैसे, वो भी बड़ा अधर्मी हुआ। अरे पूरी बात सुन नहीं रहे हैं आप। विष्णु, विष्णु नहीं तो जो आप मुझे ब्रह्मा, बात वो बताए भी ना कामी अरविंद था जी, भाई। आपके आपके जितने देवता हैं अगर उनमें ये धर्म के 10 लक्षण अगर इनमें नहीं पाए जाते हैं
तो आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि आपकी जो देवता है वो धार्मिक है? बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि दया, तो दया, अब सुनिए पूरी बात सुनिए, उसके बाद में जब हम कहते हैं कि दया, तो दया का मतलब क्या? दया का मतलब ये कि मान लीजिए कोई एक परिस्थिति आप कल्पना कीजिए जहां पर कोई व्यक्ति किसी जानवर को मार रहा है, तो हमको जो है उस जानवर के प्रति दया दिखानी है ना, ना कि उस आदमी के प्रति। उस आदमी के प्रति तो हमें गुस्सा आना चाहिए। तो यहाँ पर पर आप आपके यार, आपके धर्म तो, अरविंद भाई यहाँ पर आपका धर्म तो नहीं, यार ये एनिमल सेक्रीफाइसेस तो छोड़ दीजिए, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस तक सिखा रहा है वो, तो कह रहा है यस भाई नहीं, ये पशु अरे अब बलि नर सुन, बलि तक सिखाता है यार, ये तो नहीं नहीं लक्षण है अब ये यार ना आखिर, ये तो धर्म तो ये आपका, आप अपने तरफ से ये यार, ना अरविंद आपके पास अथॉरिटी नहीं है ना, आपने कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा है, आपने तो पढ़े भी ये नहीं है ना यार। नहीं, ये नास्तिकों का है, ये नास्तिकवाद का परिचय है कि वो जानवरों अरे को मार भाई रहे हैं यहाँ जानवर। पर आपको दिखा जी दें फिर अश्वमेध यज्ञ कौन करता था, हम करते थे वहां अश्वमेध, पर, नास्तिक लोग कर, अश्वमेध यज्ञ का मतलब हुआ कि घोड़े को छोड़ देना पूरे चारों तरफ, और क्या जो कोई बात कर रहे घोड़ा हैं। बा अरे भाई यहाँ पर दिखाएं फिर आपके ओ, धर्म ग्रंथों से, चलिए दिखाइए कहाँ पर नहीं घोड़े को नहीं छोड़ देना अश्वमेध, चलिए दिखाइए, कोई और कहाँ कोई लिखा उदाहरण है दीजिए, चलिए। वो, वही मतलब होता है उसका, मतलब घोड़े को मारने के लिए कोई यज्ञ नहीं होता है, आपके पर हिसाब से नहीं चक्र चलेगा ना, आपको प्रूफ ये देना कहाँ पड़ेगा लिखा है अरविंद यार, ये भाई, तो कुछ भी बोले जा रहे कहाँ हैं, लिखा है कुछ भी आपको ऐसे बताना बोले जा पड़ेगा रहे ना, हैं। कहाँ आप लिखा है बताओ, दिखाइए चलो जहाँ, शेयर करो आप दिखाइए जहां पर यार, ये लिखा हो क्लेम कि आपका, घोड़े क्लेम को, क्लेम आपका है कि आप दिखाओ ना, क्लेम आप कर रहे हो तो आप दिखाओ। आप भी तो क्लेम कर रहे हैं कि घोड़े को मार करके उसमें हवन कर देना चाहिए, दिखाइए कहाँ पर लिखा हुआ है। अरे तो अश्वमेध का मतलब ही वही होता है ना मेरे भाई, ये तो लिखा हुआ है ना, आप महिधर भाषा पढ़ी है, आप महिधर नहीं, भाषा में बिल्कुल कहाँ लिखा पर घोड़े हुआ है। को मार करके उसका हवन कर देना चाहिए, अरे दिखाइए। यार मुझे किताबें खोलनी पड़ेगी रात के 1 बजे। नहीं बिल्कुल, लेकिन जो वो जो भाष्य होना चाहिए वो व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए होना चाहिए, तो मतलब जो ऐसा महिधर अरग। उमट सायड इनको व्याकरण नहीं आता था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, दयानंद जी ने जो भाष्य किया है उसके आधार पर दिखाइए, दयानंद जी ने भाष्य कब किया था? दयानंद जी का भाष्य जो है उसके आधार पर आप दिखाइए। ध्यानंद जी ने भाष्य कब किया था ये तो बताएं मुझे, उन्होंने व्याकरण के नियम का 1880 पालन के किया, आसपास, 1880 के आसपास, नहीं, उन्होंने व्याकरण के नियम का 18, पालन कर, मेरे अरविंद जी आराम से चलते हैं ना, दयानंद जी ने भाष्य किया था 1880 के आसपास। वो बताइए कब किया था, वो किया था इससे मतलब अरे रखिए। सुने ना अरविंद जी, रुके ना, दयानंद जी ने भाष्य किया था 1880 के आसपास, उसके पहले तो सायण और महीधर और उमट के जो भाष्य थे वो मान्य माने जाते थे ना, तो वो चार नहीं सौ तो पांच सौ सालों का हिसाब कौन देगा? नहीं, बता तो रहा हूं, क्योंकि बात यह है कि जो वेदों का भाष्य होगा वो व्याकरण के नियम के अनुसार होगा, तो उसके कोई, पहले के जो भाष्य थे क्या वो मान्य हाँ नहीं थे? आपके वो नहीं माने थे, क्योंकि उससे पास पहले इसका जो थे, क्योंकि सबूत है? उससे पहले जो थे वो दूसरे लोग भी थे, ऐसा थोड़े कि उन्हीं का वो प्रकरण तो चल वो रहा लोग था। मतलब वेद नहीं मानते थे, अब ये कह रहे हैं वो लोग वेदों को नहीं मानते थे। वेद मानते थे, लेकिन वेद के गलत व्याकरण अनुसार उन्होंने भाष्य नहीं किए थे। तो मतलब अगर उन्होंने गलत व्याकरण अनुसार भाष्य किए, उनको व्याकरण नहीं आता था, इसका मतलब यह है कि वेद जो थे उस टाइम के लोग नहीं मानते थे, आप ये कह रहे हैं? ना, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो व्याकरण के अनुसार, मतलब मेरा कहने का इतना है कि आप व्याकरण के अनुसार जो भाष्य है उसका पालन किया जाना चाहिए, जो वेद में बताया गया है कि इस नियम का पालन हम करेंगे और उसी के अनुसार जो अनुवाद किया जाएगा वो बात होगा, ये एकदम अस्पष्ट चीज है। अब उसमें नहीं आप नहीं असत्य आप मेरा मिलाकर, सवाल आप नहीं समझ रहे हैं, मेरा सवाल यह है अरविंद जी, वेदों को फिल्टर आउट कर दिया दयानंद जी ने 1880 में, ये मैं आपकी बात मान लिया, खैर वेदों में भी बहुत सारी गड़बड़ बातें, मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ दयानंद भाष्य। पर मेरा सवाल ये है कि उससे पहले तो महिधर उमट सायण के जो भाष्य है वो तो प्रचलन में थे, तो नहीं उसमें तो उससे ये सब पहले बातें जो, लिखी है ना, तो कौन उससे, से ब्राह्मण ने या कौन से हिंदू ने, हिंदूवादी व्यक्ति ने उनके भाष्य का विरोध किया, आप मुझे एक का नाम बता दें। बता तो रहा हूं, दयानंद ने किया ना, 1880 में किया ना, उसके पहले बताया ना, अगर उनके भाष्यों में अगर व्याकरण की गलती है, अगर अरविंद जी समझे, अरविंद जी नहीं समझे नहीं थोड़ा नहीं सा, अरविंद जी थोड़ा समझे नहीं मेरे 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 क्वेश्चन को, समझे ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझे आप? हाँ 1880 में दयानंद जी ने वेदों के भाष्य के ऊपर सवाल किया, सही बात है, हाँ उसके पहले जो थे वेद प्रचलन में थे, तो अगर उनके हाँ वेद भाष्य में गलती थी तो उस समय के हाँ जो लोग संस्कृत जानते थे उन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? किया विरोध, बहुत कहाँ सारे लोगों किया, ने किस सारे, कहाँ, नाम नहीं बताएं बता मेरे को किसने किया विरोध? ये बताइए,
ये बताइए कि किसने किया फायर विरोध जो नाम थी वो, बताए, अरे किसने किया रुकिए विरोध तो नाम बात, बताए मेरे भाई। नहीं दयानंद ऐसा नहीं चलेगा ना अरविंद जी, देखिए गपोड़ेंगे आप, दो बातें मैं गपोड़ूंगा, तीन बातें आप दयानंद, गपोड़ेंगे, तो ऐसे में क्या मजा आएगा बताए ना। आप मुझे नाम बताए ना किसने अरे किया विरोध। सुनिए तो यहाँ फिर आप नहीं, तो जो विवेकानंद है वो लिखते हैं अपनी जीवनी में कि जो मैक्स मूलर है वो तो साक्षात सायण है, कि वो जो है वेदों का संकलन कर रहे हैं, वो शायद है इसीलिए तो उन्होंने गलत चीजें प्रस्तुत कर दी। और जो संकलन करने का काम किए थे अच्छा वो वहां के उस नीलकंठ टाइम के जी, ब्राह्मणों ने ही की थी। तो उस समय चलिए तो किसी ब्राह्मण ने ये तो नहीं जो कहा कि जो सायण जो है उसने तो गलत व्याकरण लिख दिया, किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा, इनके नहीं बता रहा वेदों हूं में मैं, देखिए संकलन कर रहे थे वो तो। नीलकंठ जी अरे आप चले गए पूरी वेदों बात को वेद की, दिखाऊंगा, मैं भी अरे इनको वेद अरविंद भाई ये दिखाऊंगा। अरविंद भाई ये देखो अपने तुम्हारे वेदों में हत्याओं की बात हो रही है। देखो ये ऋग्वेद का मंडल 10 का सूक्त 28 का तीसरा मंत्र कहता है, इसमें आया है अर्थात हे इंद्र, अन्न की कामना से जिस समय तुम्हारे लिए हवन किया जाता है उस समय यजमान जल्दी नहीं जल्दी पत्थर के टुकड़ों पर सोम रस तैयार करते हैं, उसे तुम पीते हो, यजमान बैल पकाते हैं तुम उन्हें खाते हो। देखो हाँ, ये आपके ये बैल पकाने की बात हुआ, और अरे भी दिखाता हूँ सारे आपको, अरे भाष्य है ये। महीधर भाष हाँ दिखाता हूँ महिधर अभी, सायण भाष्य। देखो हाँ वो हाँ ये बैल नहीं, देखो वो आप, भूल है, अरे अरे भाई ये देखो देखो ये वो देखो बैल, ये ऋग्वेद का ये सायण अच्छा भाष मैं भी है दिखाऊंगा ना, मंडल मैं भी नौ, अरे सुन दिखाऊंगा लो मंडल नौ का वो, सूक्त अरे चार का पहला मंत्र, अरे भाई सुन लो अरविंद सुन लो पहले, इसमें पहले आया अर्थात मैं एक बात, ब्राह्मण यानी बिरसा, एक मिनट इसकी चोंच दबानी पड़ेगी। हाँ नहीं मैं भी चोट दिखाऊंगा ना, मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी दिखाऊंगा ना, यार आप दिखा न्यूटन देते जी, मैं इसकी दिखा देता। चोंच भी मेरे को ही दबानी पड़ रही है नहीं नहीं इनको ये खुला देखो रखे न्यूटन कोई जी, दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं आप ये मैं दिखा इनको देता आर्य हूँ, समाज के भाष्य ठीक है दिखाऊंगा। हाँ हाँ देखिए दोस्तों इनको दिखा देती हूँ, ये सायण भाष है ऋग्वेद मंडल नौ का सूक्त चार का पहला मंत्र है, और इसमें आया है अर्थात ब्राह्मण वृषभ बैल को मारकर उस मांस के भिन्न भिन्न देवताओं के लिए आहुति देता है, इसमें वृषभ की प्रशंसा और उसके अंगों में कौन कौन सा अंग किस किस देवता के लिए प्रिय है इसका विवेचन किया गया है, और वृषभ की बलि देकर हवन करने के महत्व का वह उससे प्राप्त होने वाले श्रेय का वर्णन किया गया है। तो देखिए ये तो छोड़ो, इसमें ये भी करते थे भाई अलग अलग अंग, इनको जैसे जो चिकन खाते हैं तो किसी को लेग पीस पसंद होता है, किसी को कोई पीस पसंद होता है, ऐसे इनको भी अलग अलग पीस पसंद होते थे इनको। अब देखो बैलों की बलि के बारे में और भी दिखाता हूँ आपको, ये आगे आपको दिखाता हूँ। हाँ। और ये जो झूठ कहते हैं अरविंद जी, जब वेदांग होते हैं ना, कल्प वेदांग में हाँ गौतम धर्म सूत्र आता है, गौतम धर्म सूत्र में बड़े गजब की बातें लिखी हुई है, आपको तो पता ही है। खैर मैं भी आपको पढ़वाऊंगा दो तीन चीजें, मजा जी आएगा। जी तो ये देखो मैंने इनके ही उससे दिखा दिया है, देखो ये भी और भी चीज आपको दिखाता हूँ कि इनके धर्म सूत्रों में क्या क्या चीजें आई हैं। तो जो ये जहां देखो यार वहां भरा पड़ा है ना, वशिष्ठ स्मृति में देखो अर्थात अपने यहाँ यदि ब्राह्मण अथवा राजा अतिथि बने तो उसके लिए एक बड़ा बैल या बड़ा बकरा पकाना चाहिए, इस तरह अतिथि का सत्कार किया करते हैं, ये इसी बात को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए वशिष्ठ स्मृति में कहा गया, ये अध्याय चार में आया है, वशिष्ठ स्मृति में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये तो यहाँ पर अरविंद भाई चलिए इनकी आवाज कि हटा दीजिए, वशिष्ठ, मैं इनको एक एक चीज पढ़वाता हूँ, इनको बड़ा मजा आएगा, इनको भी हाँ जान के बड़ा मजा अरविंद आएगा। देखो ये तो आपको अतिथि को बकरा या बैल खिलाने की बात कर रहे हैं आप। हेलो, हाँ हाँ अरविंद अरविंद जी मुझे हेलो, एक बात बताएं। हाँ, बात हाँ करिए जजा जी, फिर मैं इनको पढ़वाता हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ कि एक कम्युनिस्टों के द्वारा मिलाया गया चीज है, उनकी सोच के द्वारा चलें लिखा फिर गया यहाँ, ओके ओके ओके। हाँ है, और अरविंद जी ये बताएं, जहाँ कम्युनिस्ट, वैदिक ईश्वर निराकार है या उसका रूप है। सुनिए पूरी बात तो सुनिए, और जितना कुछ इसमें लिखा ये बताया गया ये नास्तिकों के द्वारा जीव उनकी विचारधारा, क्योंकि वो सब मांसाहारी होते थे तो उन्होंने अच्छा वेदों का इस प्रकार अच्छा भाष किया अच्छा ताकि उनको मांस खाने को मिल जाए, क्योंकि वेद अच्छा तो मांस खाने नहीं देता था, तो अरविंद इसीलिए जी, इन अरे तो यार लोगों, नास्तिकों को कैसे रोकेगा आपका वेद, नास्तिक तो आपके वेद को हाँ ठोकर मारते हैं, वो तो मतलब मानते ही नास्तिक नहीं है, लोग तब के वो तो भगवान से नहीं। ज्यादा ताकतवर हैं, फिर आपकी ही किताबों में मांस भक्षण की बातें लिख कर आ गए, और आप कुछ कर भी ना पाए और ना आपका भगवान नहीं कुछ कर वो पाया। असल में वो वेद में नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने वेदों का गलत व्याख्यान अच्छा करके चलो वेदों प्रस्तुत में ही कर आ रहे हैं ना दिया। अरविंद जी। अच्छा अरविंद जी ये बताएं, जो वैदिक ईश्वर है वो साकार है कि निराकार है, आप क्या मानते हैं।
पहली बात, पूरी बात तो सुनिए, वैदिक ईश्वर जो है वो निराकार है, पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, वो किसी की पूजा करने के लिए। एक नंबर, एक नंबर। अब एक मिनट ना, मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, veda.com है, veda.com है ये, ठीक है, आर्य समाज सभी अधिकार सुरक्षित, रुके अभी, ठीक है, आर्य समाजी भाष्य है ये, आर्य समाजी भाष्य है, ठीक है, veda.com है, कुछ भी दिक्कत हो यहाँ जाके बदलवा लेना, ठीक है। अब ये है, रुके अभी, ऋग्वेद का मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 80, मंत्र नंबर 3, मैंने साफ खोल के दिखा दिया। अब ये देखिए क्या लिखा है, परमात्मा अपनी स्तुति करने वालों के स्तुति सुनते हुए कान की रक्षा करता है और उसकी वाणी को सुरक्षित रखता है, संसार में उसे संतान वाला मोक्ष में अमृत प्राण प्रदान करता है। तो मुझे बात बताएं, आपको ईश्वर अगर निराकार है तो ईश्वर के कान कहां से आ गए? इसमें पूरी पूरा खुली, पहले पूरा ही खुला है, देखे ना, परमात्मा अपनी स्तुति करने वाले की स्तुति सुनते हुए कान की, हटा दिया मैंने, लीजिए, ये कान की रक्षा करता है, उस वाणी को सुरक्षित रखता है और संसार में उसे संतान वाला मोक्ष में अमृत प्राण प्रदान करता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर कान होते हैं ना, ईश्वर कान होते हैं ना, अब आप सुनिए, ईश्वर कान होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलने तो दीजिए, ये वेद विरोधी बातें आप मत करिए, वेदों में लिखा है ईश्वर कान होते हैं और वो अपनी कान की रक्षा भी करता है। अरे तो सुनिए, वेद विरोधी बातें आप मत करिए अरविंद जी, देखिए यहाँ पर पदार्थ भाषा भी पढ़ लीजिए ना, अग्रता परमात्मा निश्चय स्तुति करते हुए उपासक के उस स्तुति सुनते हुए कान की रक्षा करता है, अपनी स्तुति में स्थिर करता है, परमात्मा स्तुति करने वाले को अमृत प्राण के लिए खेले, तो बात की बात है। तो मुझे एक बात बताए, एक ये जो ईश्वर है ये अपने कान की रक्षा कैसे करता है, ये बताए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। हमारा जो सिद्धांत है वो है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हम ही ईश्वर हैं। तो जब हम स्तुति करते हैं हाँ, तो हमारे कान से हमें खुद की आवाज सुनाई पड़ती है, हमें जब ध्यान करते हैं तो जो आवाज सुनाई पड़ती है, नहीं अहम ब्रह्मास्मि ये तो अद्वैत का सिद्धांत है और आर्य समाज तो अद्वैत को नहीं मानता है। नहीं पूरी बात तो सुनिए, तो जो चला आ रहा है परमात्मा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ही ईश्वर हैं, आप ये कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि यानी आप ही ईश्वर हैं। हाँ हम ही ईश्वर हैं, तो यानी कि मतलब कि ईश्वर का मतलब ईश्वर का रूप होता है ना, ईश्वर निराकार नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ, नहीं ईश्वर निराकार है इसलिए आपके ईश्वर का भी रूप है। नहीं ईश्वर निराकार है इसलिए हर जगह, ईश्वर कान कैसे आ गए फिर? नहीं ईश्वर का कान नहीं है, वो माया है। नहीं ये लिखा हुआ है ना, परमात्मा अपनी स्तुति करने वाले की स्तुति सुनते हुए कान की रक्षा करता है, मतलब वो सामने वाला स्तुति कर रहा है चिल्ला चिल्ला के और परमात्मा अपने कान की रक्षा कर रहा है हेडफोन लगा के, ताकि ये तो जोर से चिल्ला तो मेरे कान न फट जाए। देखिए वो चिल्ला चिल्ला करके जो बोलता है, ठीक है, तो आत्मा जो आपके अंदर विद्यमान है वो सुन उस आवाज की अनुभूति करता है। आत्मा के कान होते हैं, मतलब आत्मा के कान होते हैं, आवाज जो होता है वो रेडिएशन होता है, वो निराकार होता है, आवाज आपका निराकार है। नहीं तो आत्मा सुनती कैसी आवाज को, मतलब आत्मा जो है आवाज को सुन रही है तो कैसे सुन, इसलिए क्योंकि निराकार का कॉम्बिनेशन निराकार से होगा, सजातीय सजातीय विजातीय विजातीय का कॉम्बिनेशन होता है। तो परमात्मा जो है निराकार है, वो सुनता भी है और उसे कान भी है और अपने कानों की रक्षा भी वो करता है, ये लिखा हुआ है ऐसा? देखिए मैं नहीं बता बोल रहा हूँ ऐसा, वो साइंस के आधार पर लिखा हुआ है ना, क्योंकि आवाज मत जाइए ना अरविंद जी, आप साइंस पे क्यों जा रहे हैं, आप धार्मिक व्यक्ति, आप धर्म पे बात करिए ना, साइंस तो नास्तिक चीज है, वो साइंस तो नास्तिकवाद है, वो तो साइंस वेद की चीज है और वो नहीं, तो आप ये बताएं ना, परमात्मा को आप कह रहे हैं कि निराकार है और यहाँ पर लिख रहा है कि वो अपने कान की रक्षा करता है। बिल्कुल, क्योंकि आवाज भी तो निराकार है, आप आवाज को साकार मानते हैं? नहीं तो आवाज कान की रक्षा, कान तो साकार है ना, नहीं कान नहीं आवाज बताइए, निराकार उसमें निकलता क्या है, आवाज तो निकलता है, आवाज की बात, आवाज निकलती बिल्कुल, हाँ तो आवाज निराकार हो गई, और निराकार निराकार को नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? अच्छा मतलब आप जो सुनते हैं, आपके जो कान है वो निराकार है, आप ये कह रहे हैं? हम नहीं निराकार है, आवाज जो निकलती है जो सुनाई देती है वो निराकार है।
अच्छा आवाज जो निकलती है वो निराकार है, जो सुनता है वो भी निराकार है, जो जिसके द्वारा जो सुनाई दे रहा है वो निराकार है। जो सुनाई दे रहा है वो निराकार है, जो सुनता, जो कान जो होता है वो, मैं कान की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पर, कान नहीं वही यहाँ तो पर आवाज साकार है कि निराकार है? नहीं, लेकिन सुनाई क्या दे रहा है, किसको सुनाई दे रहा है? ईश्वर को बोल रहा है ना, हाँ परमात्मा अपनी स्तुति करने वाले के स्तुति सुनते हुए कान की रक्षा करता है, तो कान की रक्षा बिल्कुल ईश्वर कैसे करता है ये बताए ना। बता तो रहा हूँ, कान की रक्षा इस प्रकार करता है क्योंकि उसको सुनाई दे रहा है हाँ पहली वही तो बात सुनाई जो। हाँ क्योंकि दे शरीर रहा है, जो है मतलब कान की रक्षा करता है ना, कान की कान बात की हो रही है ना रक्षा, यहाँ पर, क्योंकि वो निराकार को सुनाई दे रहा है। आप समझ नहीं रहे, निराकार को ईश्वर जो सुनाई है दे रहा है। अच्छा तो मतलब सुनाई दे रहा है, क्योंकि मतलब कान भी होगा उसके पास। आवाज निराकार है ना, देखिए देखिए, जब आवाज। आप ये कहते हैं कि अल्लाह के हाँ पास हाथ है और उसने हाथों से दुनिया के बनाई, तो यहाँ भी तो वही हाँ लॉजिक लग रहा है ना, ईश्वर के को, ईश्वर तो सुनाई दे रहा है वो और उसके पास पुराण कान भी है, तो ईश्वर फिर निराकार कैसे नहीं, हुआ? इसका तो आकार हो गया ना, वो वो कान उनकी की रक्षा उनकी भी कर रहा है वो तो। उनके कुरान में कई सारी नॉन साइंटिफिक बातें लिखी हुई हैं, मैं जानता अरे हूं, मैंने चले, मैं एक पढ़ा। और, एक और चीज आपको दिखाता हूँ, चले ये ये बढ़िया तो मैं आपने बहुत बताया। साइंटिफिक बातें हैं हाँ वेद, वेद से मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, चले नहीं, पर आपको ये जो मजा आएगा। शरीर है, ये शरीर नहीं जो है एक और वास्तव शरीर में दिखा रहा हूँ अरे ना, एक और शरीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, चले अभी अपन चलते हैं दूसरे वेद सुनिए पे। आप, अभी इसको अरे हटाइए, मैं देखिए कह रहा हूँ आपकी, आपके ईश्वर का कान है भाई, देखिए आप नास्तिक ना बने, आप वेदों अभी पे हम सवाल आप लोग नहीं कर सकते, आप नहीं, नास्तिक आप ना बने हमें प्लीज, देखिए ये वेद दया ईश्वरीय करते वाणी हैं। है, आप इसका ऐसा निराधार आप नहीं कर सकते, गलत बात है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो ईश्वर ने, वो वैदिक विज्ञान की वाड़ी है, ठीक है, पूरे हाँ विश्व सुन भी रहा में है, एक निराकार ईश्वर है वो अपने कान की रक्षा भी कर रहा है, बिल्कुल ना। वो निराकार ईश्वर जो है निराकार आवाज को सुन रहा है, असल में जो कान अच्छा है वो निराकार उसको ईश्वर मान जो रहा है। है, वो निराकार ईश्वर जो है निराकार आवाज को सुन रहा है और अपनी कान देखो की रक्षा भी कर रहा है। कान की नहीं, वो शरीर जो है वो तो माया रूप है, आपका शरीर वास्तव में है ही नहीं, हम लोग जो ऊपर खाल दिखाई अच्छा देता है तो ये नहीं है, आपके जो, आपका शरीर जो है वो माया ये का रूप नहीं है, है, ये आप ये कह रहे हैं? वो माया का रूप है, वो वास्तव में है नहीं, लेकिन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अच्छा एक मिनट ना, मैं खोज के अभी मैं शेयर करता हूँ, 15-3 है क्या, मैं भूल गया हूँ। अब ये बताए एक कि और चीज नास्तिक दिखाता हूँ मैं जो है आपको, संवेदन यार अरविंद, असंवेदनशील क्यों? अब आप यार ये यार बताइए कि आपको नहीं, ये तो नास्तिक आस्तिक जो है ना है, भाई, देखिए निराकार ईश्वर है आपका, उसे कान भी है। तो इसमें दया की हाँ बात मिल की गया गई मिल गया थी, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, चले नास्तिक आपका निराकार नास्तिक ईश्वर के बारे में एक और चीज इसमें लिखी है, देखिए ये अथर्ववेद पे हम आते हैं, ये अथर्ववेद का बताया कि है कांड नंबर 15, सूक्त नंबर 3 और मंत्र नंबर 1, ये नहीं, देखिए अभी वीर डॉट आप कॉम है, आर्य समाज की साइट है, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अभी आप जो कुछ दिखा रहे हैं आप सिर्फ ऋग्वेद से ये दिखाइए, देखिए अभी सब वह वर्ष भर, अरे यार देखिए ऋग्वेद देखिए अभी वह आप व्रत्य यहाँ ऑन परमात्मा डिमांड काम थोड़ी ना चल रहा है यार। वर्ष भर तक ऊंचा खड़ा रहा, उससे देवता विद्वान लोग बोले, हे व्रात्य, सब समूहों के हितकारी परमात्मन, क्यों तू अब तक खड़ा है? तो आपके ईश्वर तो खड़ा भी रहता है, उसके पैर भी हैं, ये देखें क्या लिखा है, ये परमात्मा, परमात्मा के विराट रूप का उपदेश। अब मुझे एक बात बताएं, निराकार का विराट रूप कैसे हो सकता है अरविंद जी? वो माया रूप का बात हो रहा है कि एक तो शरीर में जो परमात्मा है का रूप है ना यहाँ पर, ये इतनी निराकार वाली जो बात है तो झूठ हो गई फिर तो, वेदों में लिखा है देखे रूप, परमात्मा का विराट रूप, रूप नहीं है वो, ये अपने क्या लिखा आप है यार, ही ये तो ये अंधे हो क्या तुम्हें, क्या लिखा है यार, ये क्या लिखा है, ये परमात्मा के विराट रूप का उपदेश? वो विराट रूप क्या है, वो पूरा सृष्टि जो है वही उसका रूप है, विराट रूप है। अच्छा तो खड़ा भी तो रहता है ना, ये देखे ना, वह वात अब ये बता परमात्मा वर्ष भर तक ऊंचा खड़ा रहा, उससे देवता विद्वान लोग बोले, हे व्रात्य, सब समूहों के हितकारी परमात्मा, क्यों तू अब तक खड़ा है? बिल्कुल, वो जो तो खड़ा खड़ा वहां कैसे है पर क्यों परमात्मा? बता रहा हूं, क्योंकि पूरा जो सब कुछ है वो एकदम, आप उसके खड़ा बोले, उसको पड़ा बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, बस खड़ा ये अच्छा अलग अलग मतलब जो प्रकार। परमात्मा है वो खड़ा रहता है कुछ समय तक, वर्ष भर तक खड़ा रहता है मतलब। जब आप खड़ा रहने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पैरों पर खड़ा रहता है, अच्छा ठीक बैठा है, दे इसको, अभी बैठा दे क्या, नहीं बैठा नहीं दे, चलो वो परमात्मा को बैठा देते, चले बैठाएंगे परमात्मा को, जब आप बैठाने की परमात्मा बात को भी नहीं करते हैं, बैठाएंगे आप यार, जब आप लिखा हुआ यार, बैठाने पहली देखिए आप वेद विरोधी बातें कर रहे हैं, आप गलत बात है, बात देखिए बैठा अगले मंत्र में आप आते हैं, बैठा देखिए पे अरविंद हाँ यार बैठा रहे मैं हैं, नहीं, अब बैठा ये रहे हैं, देखो देखिए अरविंद
कांड नंबर 15 सूक्त नंबर 3 मंत्र नंबर 2 ये क्या लिखते हैं? वह बोला, यानी ये भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान बोल रहे मतलब इसका मुंह भी है। वह व्रात परमात्मा बोला, सिंहासन मेरे लिए मिलकर आप लोग धरे। इसको सिंहासन चाहिए भाई, ठीक है। अब अगले मंत्र में चलते हैं। ये पता नहीं आप कौन सा चीज आप लोग दिखा रहे हैं, ये वेद.com में है। क्या बात कर रहे हैं आप यार, वेद.com खोला है मैंने। यहाँ पर कांड नंबर 15 सूक्त नंबर 3 मंत्र नंबर 3 अथर्ववेद, ये जो यार अपने वेदों पर भरोसा नहीं करते यार, कैसे नास्तिक व्यक्ति है क्या अरविंद जी? नास्तिक मैं कह रहा हूँ वास्तव में। देखिए आगे देखे, उस व्रात्य सब समूहों के हितकारी परमात्मा के लिए सिंहासन उन्होंने मिलकर रखा। विद्वान लोग परस्पर विचार करके आगों के आगे के मंत्रों की युक्ति से उस परमेश्वर को सर्वोपरि विराजमान समझे। अब आप बोलने बोलने अब ये बताए सिंहासन, अब ये बताए नहीं, लिखा हुआ है वेद में, लिखा है मेरे भाई, लिखा हुआ है, मैंने थोड़ी ना लिखा ही है। हाँ बताए, असल में ये परमात्मा मनुष्यों को कह रहा है, ठीक है। हाँ कह रहा है ना, तो मनुष्य कह रहा है मतलब उसका मुंह है, परमात्मा का मुंह है और कान भी है। नहीं मुंह नहीं है। अच्छा निराकार कोई चीज बोल कैसे सकती है ये बताए, निराकार कोई चीज है वो कैसे बोल सकती है? बता रहा हूँ, आप ये बताइए कि सूर्य जो है, जो प्रकाश आता है, क्या उसकी आवाज तो नहीं है ना? उसका तो आकार है ना, निराकार चीजें कैसे बोल सकती है? नहीं नहीं, सूर्य का तो आकार है। रेडिएशन का कौन सा आकार होता है? सूर्य जो तो होता है यार, आकार है ना उसका, रेडिएशन बोलता थोड़ी ना, कौन सा रेडिएशन बोलता है भाई? वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है, इसका कौन सा आकार होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आकार होता है, क्या बात कर रहे हैं आप? आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं पढ़ रही है? मैंने केमिस्ट्री पढ़ रखी है। वो आकार जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या बोलते हैं या सुनते हैं? वो जो आकार उसमें बताया गया है वो वास्तव में सिर्फ समझाने के लिए बता दिया गया है, वो आकार नहीं है उसका। अच्छा वो आकार नहीं है तो वो निराकार है, मतलब जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है निराकार है, ये इसका आकार नहीं होता। वो सिर्फ नहीं, वो समझाने के लिए उसका पागल है न्यूटन नहीं, तब ये बताए ना, ये इसी फट गई पता है देख के, आजादी इसकी फट गई पता है देख के, इसके पास तो शब्द नहीं है बोलने के लिए।